हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण ऐप यानी कि मासिम ऐप के बारे में बताएंगे। मासिम ऐप है, और ये मासिम ऐप जो है इसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी। तो फिलहाल हम आपको मासिम ऐप डाउनलोड करना बताते हैं। तो मासिम ऐप को डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों को प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर कैपिटल में, फिर से ध्यान देना, कैपिटल में टाइप करना है मासिम। तो जैसे आप कैपिटल में मासिम टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मासिम ऐप लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल। फिलहाल तो आपको ओपन दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो ये ओपन और इसका मोनो इस तरह का आपको दिखाई देना चाहिए। यही आपके लिए उपयोग यही वाला ऐप आपके लिए उपयोगी है। उसके बाद क्या होता है, आपको चलना है बैक और आपको ऐप खोलना है जहाँ पे हमने डाउनलोड कर रखा है। तो देखिए ये ऐप है, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर आपके पास यहाँ पर सबसे नीचे विद्यार्थी नामांकन विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरें, ये आता है। तो ये हम भरेंगे, लेकिन आवेदन भरने से पहले हम आपको बात बता दें कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हैं। तो यहाँ पर विद्यालय, विषय पाठ्यक्रम, मॉडल प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएँ, बोर्ड परीक्षा परिणाम, स्कूल मान्यता और सेवा शुल्क, इस सब और शैक्षणिक वीडियो आदि कई प्रकार की जानकारी आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, कुछ जानकारी विद्यार्थियों के लिए तो कुछ शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले आते हैं विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरें। तो चलिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मेरे सामने एक पेज निकल के आता है। ये पेज विद्यार्थियों को पहले ध्यान से पढ़ लेना है, विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरें। तो इसमें जो भी निर्देश यहाँ दिए गए हैं नहीं आपको पढ़ना है। निर्देश में यही बताया गया है कि छात्रों को ये नामांकन आवेदन भरने से पहले अपने विषय कोड और विद्यालय कोड, जैसे विद्यालय कोड यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, विषय कोड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने विद्यालय के किसी शिक्षक या प्राचार्य महोदय से भी अपने विद्यालय का कोड और आपने जो विषय लिए हैं उनके कोड आप उनसे पूछ सकते हैं, और यहाँ से भी आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। ये लिंक है, इनको जब क्लिक करेंगे तो आपको विषय कोड दिखाई देंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ विषय कोड। विद्यालय कोड तो इजी है, एक ही रहेगा, और विषय कोड अनेक हो सकते हैं, इसलिए आपको बता देते हैं। विषय कोड अलग अलग क्लास के अलग अलग चलेंगे। फिलहाल मैं 9th क्लास की बात करूँ तो उसके बाद सर्च में मैंने क्लिक किया, मेरे सामने विषय कोड खुल के आ रहे हैं। 9th क्लास में ये 12 सब्जेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली 6 पेपर आपको सेलेक्ट करने होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज के अतिरिक्त आपका इसमें 3 अन्य विषय होते हैं। तो यहाँ पर उन 3 अन्य विषय के कोड दिए गए हैं। मैथमेटिक्स यदि हम क्लिक करेंगे तो ये मैथमेटिक्स है, इसका कोड आ जाएगा। देखिए मैं क्लिक करके आपको बता दे रहा हूँ ये मैथमेटिक्स का कोड कितना आया, आप देख पा रहे हैं 100 आया है। यदि इसे हम साइंस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइंस का कोड आ जाएगा, और साइंस का कोड कितना है, चलो दिखा देते हैं ये कितना है, दिख रहा है आपको 200। इस तरह से आप सोशल साइंस या जो भी विषय आपने लिया है उसका आप कोड याद कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसी तरह से 11th का हम विषय कोड याद कर सकते हैं, और 12th का विषय कोड ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल क्या लिखा, कक्षा 9th लिया था, 10th
इलेवेंथ ट्वेल्थ जो भी हम चाहें वो ले सकते हैं। फिलहाल हमें ट्वेल्थ का लिख कर बताते हैं। ट्वेल्थ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ सर्च है, इस पर क्लिक करेंगे तो सर्च पर क्लिक करने के बाद ट्वेल्थ के कोड निकल के आते हैं। ट्वेल्थ के कोड आप ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ट्वेल्थ के कोड इस तरह से आप देख लेंगे। लेकिन जिसे मैं दिखा दूँ कि हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ रहा है कोड, हिस्ट्री के नीचे देखो 110 आ रहा है। इस तरह से अन्य विषय के कोड भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जियोग्राफी पे क्लिक किया तो जियोग्राफी के कोड आए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अन्य कोड ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात बता आवश्यक ही बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इसमें जो ट्वेल्थ के कोड में फिर से एक बार खोल लो उसको। यहाँ पर ट्वेल्थ के जो कोड आए हैं उसमें मैथमेटिक्स का कोड दो बार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स दिख रहा है, ये देखिए 5 नंबर मैथमेटिक्स दिख रहा है। उसके बाद और चले आगे तो 5 नंबर के अतिरिक्त आपको मैथमेटिक्स और भी दिखाई देगा, और वो दिखाई दे रहा है। सीधे हम नीचे चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो ये यहाँ देखिए 32 नंबर पर भी आपको मैथमेटिक्स का कोड दिखाई दे रहा है। तो दो बार कोड क्यों है? पहले कोड को हम बता दें आपको क्या है, तो 5 नंबर पर जो कोड था उसको देखते हैं। तो ये 5 नंबर पर कोड जो आया है वो 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। 150 ले आ रहा है कि ये मुख्य विषय का है। उसके बाद यदि हम एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स लेना चाहते हैं तो 32 नंबर पर जो कोड दिया गया है जो है 850, देख पा रहे हैं 850। मैं फिर से दिखा दूं, ये 850 है। तो ये एडिशनल यदि मैथ्स ले रहे तो आपको 850 भरना है। और उसके बाद में अब एडिशनल कब लेते हैं, जब हमने बायो मेन सब्जेक्ट लिया हो तो एडिशनल मैथ्स में हम 850 भरेंगे। लेकिन हमने मैथ्स मेन लिया है और बायो एडिशनल लेना चाहते हैं तो हम बायो का ऑप्शनल वाला कोड जो कि 831 है वो भरेंगे। वो 831 कहाँ दिया है दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये बायो का कोड देख रहे हैं 831 ये। लेकिन इससे पहले जो बायो है मेन सब्जेक्ट यदि आपने लिया है तो उसका कोड है 231, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये ऊपर दिया गया है बायोलॉजी 15 नंबर पर, जिसका कोड दिया गया है 231। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। अब चलते हैं, ये तैयारी कर लेने के बाद हम यहाँ पर भरेंगे आवेदन, नामांकन आवेदन भरें। लेकिन उससे पहले आप पढ़ सकते हैं निर्देश, और ना उसके बाद आवेदन भरने के बाद हम नामांकन आवेदन की स्थिति यहाँ से जान सकते हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले नामांकन आवेदन भरें। इसको भरने से पहले आप इसके पॉइंट को वन बाय वन आपको देख लेना है। अब ये जो आवेदन भरने वाली स्थिति है वो कौन कौन से क्लास के लिए है। नामांकन आवेदन ऑनलाइन नामांकन आवेदन 9th के लिए भरा जाना है, 10th 11th 12th सबके लिए भरा जाना है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए उनके मोबाइल नंबर पर आएगी। तो आपको इसमें मोबाइल नंबर भी वही यूज़ करना है जो आप जिस पर व्हाट्सअप हो या फैसिलिटीज़ हो एंड्रॉयड फ़ोन में हो, वो व्यवस्था आपको रखना है। बार बार मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकते, इसलिए आपको एक बार जो मोबाइल सोच समझ कर फिलअप करना है। चलिए तो हम चलते हैं, फिलहाल एक क्लास का किसी का दिखाते हैं। तो ट्वेल्थ क्लास का हम नामांकन करके दिखाएंगे। तो नामांकन ये विद्यार्थी को स्वयं करना है, और यही जानकारी कहाँ जाएगी, प्राचार्य महोदय के पास जाएगी। तो आइए सबसे पहले आप क्या लिखा है, मैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या देख पा रहे हैं आप, क्या आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि हैं तो क्या लिखेंगे, हाँ यस पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पॉइंट आ रहा है विद्यार्थी का प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम। प्रथम नाम मान लीजिए किसी विद्यार्थी का नाम है राम कुमार वर्मा,
तो राम कुमार, राम यहाँ पर, कुमार यहाँ पर, वर्मा यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन उसका केवल नाम राम कुमार है या राम वर्मा ही है, दो ही शब्द हैं राम वर्मा, तो हम राम यहाँ लिखेंगे और वर्मा यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अंतिम नाम को ब्लैंक नहीं छोड़ा सकता, अदरवाइज फॉर्म पूरा फिलअप नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो राम वर्मा होने पर राम यहाँ और वर्मा यहाँ, और राम कुमार वर्मा होने पर राम कुमार और वर्मा इस तरह से फिलअप कर देंगे। तो चलिए फिलहाल हम भर देते हैं, यहाँ लिख दो मैं राम, उसके बाद में कुमार, उसके बाद वर्मा, और उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर लिंग चुनें, तो इसमें आपको क्या है, पुरुष के लिए मेल और महिला के लिए क्या करना, फीमेल भरना है। उसका चुनी, चुने में आप जिस कैटेगरी में हैं उसको चुन लेना है, जैसे फिलहाल ओबीसी है तो ओबीसी लिख देना है, जनरल हो जनरल लिखना है, एससी एसटी जो भी हो वो लिख देना है। उसका जन्म दिनांक, जन्म दिनांक मान लीजिए 15 मई 2003 है, तो 15 मई करने के लिए पहले हम मई चुन लेते हैं, ये मई हो गया, उसके बाद यहाँ से हम 15 चुन लेंगे, तो ये 15 कर दिया, फिलहाल मई करते हैं, 15 मई 2003 की बात है, तो 2003 हो तो 2004 हो 2004, तो हमने 2003 चयन कर लिया, उसका ठीक है कर देते हैं। पिता का नाम मान लीजिए विनोद कुमार है, तो विनोद कुमार लिख देंगे। उसके बाद माता का नाम मान लीजिए सीमा देवी है, तो मैं सीमा देवी लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये रियल नेम नहीं है, जिसके लिए जो लागू होता है वो लिखना है। क्या पिता के नाम, क्या आवेदक के पिता या माता श्रमिक है, संबल है, जैसा कि आप अगला पॉइंट पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर ये संबल योजना अंतर्गत आते हैं, तो यस अदरवाइज नो, तो यहाँ नो पे हम क्लिक करेंगे। जैसा आपके लिए संबल योजना का है तो उस पर आपको क्लिक करना है, उसमें आने वाली जानकारी को आपको फिलअप करना है। यदि मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो मेरे सामने कुछ और ये पंजीयन क्रमांक भी आएगा जो कि फिलअप आपको करना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर छात्रों के लिए नहीं आता, इसलिए हम नहीं पे क्लिक कर दिया है। अगला है क्या आवेदक निःशक्त है, यदि नहीं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यदि हाँ है तो अगले, देखो फिलहाल नहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ पे यदि क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ भरना पड़ेगा कि मेरे अंदर निःशक्तता किस प्रकार की है, ये विद्यार्थी की स्वयं के लिए जानकारी है। उसके बाद फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर देता हूँ। उसके बाद मकान नंबर आपका मान लीजिए 45 है, तो मैंने 45 लिख दिया। उसके बाद में कॉलोनी जो भी हो, फिलहाल कॉलोनी मैंने लिख दी एक्स, नगर लिख दिया वाई, और जिला चुने, तो फिलहाल मान लीजिए मैंने कोई जिला चुन लिया, एक चुन लेते हैं, मैंने चुन लिया शाजापुर। उसके बाद ब्लॉक चुने, तो मान लीजिए हमने चुन लिया सुजालपुर। उसके बाद संपर्क, हमारा अगला पॉइंट है पिन कोड, सॉरी, तो पिन कोड है मान लीजिए 465111 है, तो ये लिख दिया। फिर अभिभावक का मोबाइल नंबर है मान लीजिए 9865321414, इस तरह से हमने लिख दिया 142। उसके बाद एक अन्य मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं वैकल्पिक, अदरवाइज कोई बात नहीं, ईमेल भी कोई ज़रूरत नहीं, यदि हो तो भर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद आगे बढ़ें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आगे बढ़ें, तो देखिए ये आगे बढ़े लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इस आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, तो ये कह रहा है कि मोबाइल नंबर में 10 अंक अनिवार्य है, तो देखिए हमने यहाँ कितने अंक, कम अंक लिखे होंगे, तो 10 अंक पूरे कर देते हैं, ये लिख दिया लास्ट में 8। आगे हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आगे नंबर नहीं लेंगे, एटलीस्ट 10 नंबर आपको होने चाहिए। तो जो आप गलती करेंगे उसके लिए आपको निर्देश भी देगा, निर्देश देने के बाद हम लास्ट में अगला पॉइंट जहां हमारा आता है आगे बढ़े, उस पर पुनः क्लिक करेंगे, तो ये हमें ले जाता है अगले पेज पर, जहां पर विद्यालय विषय का चयन लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, और उसने लिखा है अपने विद्यालय का 6 अंकों का कोड अंकित करें, 6 अंकों का कोड मीन्स बोर्ड द्वारा प्रदत्त कोड यहाँ पर भरना है,
मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड द्वारा प्रदत्त कोड, ये लिखिए 451003, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे विद्यालय जिसमें मैंने एडमिशन लिया है, मतलब छात्र के लिए बात कर रहा हूँ, उसका नाम आ जाता है। यदि वो नाम नहीं आ रहा है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो कंफर्म कर लें कि आपने जो कोड भरा वो गलत भरा है। फिर आपको सही कोड भरना है अपने टीचर से पूछकर, उस विद्यालय का नाम यहाँ आ जाना चाहिए जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं। तो ठीक है, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद आता है आपका विद्यालय किस प्रकार का है, ये भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद में कक्षा आपकी 12वीं आपने शुरुआत में चयन की थी, माध्यम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए माध्यम हमारे पास आता है, केवल हिंदी आ रहा है क्योंकि जिस विद्यालय को हमने चुना है वो केवल हिंदी मीडियम वाला विद्यालय है, इसलिए इसमें हिंदी आ रहा है, तो हमने हिंदी पे क्लिक कर दिया। आप अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो अंग्रेजी क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का चयन करें, यानी आप परीक्षा जब देंगे तो कौन कौन से विषय के प्रश्न पत्र देंगे आप, तो देखिए हम चुन रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने 12वीं क्लास तो चुन लिया है, उसमें हमारी हिंदी स्पेशल है तो हम हिंदी स्पेशल पर। उसके बाद में द्वितीय भाषा हमारी जनरल इंग्लिश है तो इस पर, तो जो भी हमारी भाषा हिंदी आपकी जनरल भी हो सकती है और इंग्लिश स्पेशल भी हो सकती है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल हिंदी होती है और इंग्लिश क्या होती है, जनरल होती है। और इंग्लिश मीडियम के लिए ये इधर और ये इधर हो जाएगा, मतलब स्पेशल हिंदी हो जाएगी, स्पेशल इंग्लिश हो जाएगी और हिंदी जनरल हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विषय का चयन, अब विषय का चयन यानी क्या, आपको आर्ट कौन सी स्ट्रीम लेना है, तो हम फिलहाल यदि आर्ट फैकल्टी हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे और यहाँ पर अपने विषय के पेपर चुनेंगे, जैसे कि विषय का कोड लिखेंगे, यहाँ पर कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जैसे हमने ह्यूमैनिटीज लिया, आर्ट लिया, तो उसमें क्या क्या कोड है वो भरने पड़ेंगे, तो ये हम पहले ही लिख चुके होंगे तो हमें यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में विषय कोड क्यों बताए गए थे, चयन करने की क्यों बात कही गई थी, क्यों कोड नोट करने की बात कही गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो जो विषय आपने लिए उनके कोड चुनने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको अतिरिक्त विषय के कोड लिखने पड़ेंगे जो आप लेंगे। तो अतिरिक्त विषय में हमारे पास ये उपलब्ध हैं, इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं अतिरिक्त विषय। तो फिलहाल मैं बैग जाके आपको दिखा दूँ कि आगे यहाँ पर हमने ह्यूमैनिटीज लिया था, यदि हम मैथ्स लेते, मैथ साइंस लेते, तो हमारे पास कोड मैथमेटिक्स की आ जाती है। आपके सामने क्लियर है मैथमेटिक्स में कोड कौन कौन से आ गए हैं, ये मैथमेटिक्स 150, फिजिक्स का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 210, मैथ्स का 150 हो गया था, केमिस्ट्री का 210 हो गया है। इसके अतिरिक्त हमने मैथ्स मेन सब्जेक्ट लिया है, तो इसके साथ में एडिशनल के रूप में हम क्या क्या विषय ले सकते हैं वो यहाँ खुल के आते हैं, इतने विषय हम एडिशनल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ बायोलॉजी मान लो एडिशनल लिया है तो बायोलॉजी पे क्लिक कर दिया, तो इस तरह से ये एडिशनल विषय हो गया। उसके बाद हमारा अंतिम बिंदु क्या आ रहा है आप यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदक ने सरकारी परीक्षा किसी अन्य बोर्ड या राज्य से पास की थी, तो अन्य से की तो हाँ और नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद ये हमें कह रहा है कि कैमरा खोल कर छात्र का फोटो आपको खींचना है, तो ध्यान दें छात्र का फोटो खींचना है तो फ्रंट साइड का खींच के डालना है, पासपोर्ट साइज में डालना है, और ये फोटो का जो बैकग्राउंड है पीछे सामान्य होना चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको आपका फॉर्म नामांकन फॉर्म फिलअप करना है। फ़ोटो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आप फोटो के बाद में कोई जानकारी पूछी जाती है तो इस तरह से जो पूछा जा रहा है उसको भरते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका नामांकन फॉर्म पूरा हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है सभी विद्यार्थियों को करना है ताकि उनके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकें, उन्हें ऑनलाइन पेपर उपलब्ध हो सकें। ये सब बोर्ड द्वारा आपकी सुविधा के लिए ये ऐप डेवलप किया गया है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के द्वारा बताएं, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।